आप देख रहे हैं 11 बजे की 11 खबरें, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े आदेश के साथ है, जिसमें सीएम योगी का कहना है कि किसी भी जाति, मत, मजहब या संप्रदाय से जुड़े देवी देवता, महापुरुषों या साधु संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। त्योहारों के मद्देनजर सीएम योगी ने यह आदेश मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव, गृह और दूसरे विभागों के अफसरों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करते समय दिया। सीएम योगी का कहना है कि महापुरुषों के प्रति हर नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, किया जा सकता और जबरन किसी पर थोपा भी नहीं जा सकता। कोई भी संकेत मिश्रा और जानकारी देंगे इस खबर पर, हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। संकेत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें कही है। हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से लगातार और चल रही में जो महाकुंभ होने वाला है उसकी तैयारियों का जायजा लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर भी चर्चा की गई। ये कब मुख्यमंत्री ने कही है और क्या क्या उन्होंने कहा है, विस्तार से बताएं। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश जारी कर सीएम या देवता, महापुरुष या साधु संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। संकेत, एक बार फिर से हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की है। संकेत, मेरी आपत्ति मत, मजहब या संप्रदाय से जुड़े हुए देवी देवता हो, महापुरुष हो, तो दो टोक मुख्यमंत्री ने ये बातें कही है, इसके अलावा जो उन्होंने चीजें कही है विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर आज एक अहम बैठक हुई। उसमें उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव समेत तमाम बड़े अफसर, चाहे वो प्रमुख सचिव गृह हो, वो बैठक में मौजूद थे। जो आगामी त्योहार हैं उनको लेकर ये बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, और उसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में कहा कि जाति, मजहब, धर्म के आधार पर टिप्पणी करना बेहतर है। ऐसे लोगों को कानून व्यवस्था है वो दुरुस्त रखना है। त्योहारों में कानून व्यवस्था चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं फाजिल अहमद जी के पास जाएंगे, हमारे साथ इस समय मुस्लिम स्कॉलर फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे इसके ऊपर एक बार टिप्पणी लेना बहुत जरूरी हो जाता है। फाजिल साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है किसी भी जाति, मत, मजहब या संप्रदाय से जुड़े देवी देवता, महापुरुषों, साधु संतों, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो देखिए, इसमें किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री, उन सभी धर्मों की बात कर रहे हैं, जातियों की बात कर रहे हैं, मजहब की बात कर रहे हैं, जिनको लेकर लोगों के मन में आस्था होती है। अपने अपने देवी देवताओं को लेकर लोगों के मन में आस्था होती है, महापुरुषों को लोग पूजते हैं, साधु संतों के लिए लोग पूजन करते हैं। तो देखिए, इन सबके लिए कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि अपमानजनक शब्द बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी देवी देवता से जुड़े हों। फजील अहमद साहब को एक बार फिर से हमने जोड़ने की कोशिश की है। फजील जी, आप तो मेरी आवाज मिल रही है। फजील साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है आपकी। जी, आपका इसके ऊपर सबसे पहले एक रिएक्शन लेना चाहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए किसी भी जाति, किसी भी मजहब, मत, मजहब, संप्रदाय से जुड़े देवी देवताओं को लेकर जो बड़ी बात कही है, इस पर आपका क्या कहना है? अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सब तो संविधान के हिसाब से मुख्यमंत्री है, उनको तो पहले ही इन सब चीजों का संज्ञान लेना चाहिए। बहुत लेट सोचे हो तो अब बोल रहे हैं, तो इसमें आपका अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? अच्छा है, वो कहने के लिए सभी धर्मों की बात करते हैं लेकिन अमल में कुछ रहता है। ये कहने की कुछ और होती है और अंदर कुछ और होती है। इनका हम लोग इनकी बातों पर हम लोग को कोई विश्वास ही नहीं कि क्या करेंगे वो। अभी जो है यतीनम नरसिम्हा का आप देख ही रहे क्या स्थिति चल रहा है। तो मतलब जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर विरोध किया जाता है तो विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आप इस बात को लेकर क्या समझते हैं? नहीं नहीं, धरना प्रदर्शन को आप अराजकता बोलते हैं। संवैधानिक अधिकार जनता का, धरना प्रदर्शन तो को अराजकता बोलते हैं आप। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी तो करते थे, आप भी तो करते थे। ठीक है, तो मतलब आपको ये बात उनकी समझ नहीं आ रहा, आपको लगता है कि उनकी कही हुई बातें हैं, इन बातों को किया जा पास जाएंगे, हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे। संकेत, देखिए बहुत बड़ी बात है और जिस तरह से सभी लोगों की आस्था का सम्मान कर मुख्यमंत्री ने बात की है, हालांकि इसे कोई भी मजहब हो, सांप्रदाय से जुड़े हुए देवी देवता हो, कोई महापुरुष हो, संत, अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से है। जाहिर भी दिया है और ये भी कहा है
कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो ये बात है, दरअसल निहर और सधे शब्दों में आज की बैठक में अफसरों से कहा कि इस बात पर उत्तर प्रदेश में नजर बनाए रखें कि किसान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी धर्मों के जो लोग हैं वो आपसी समन्वय बनाकर आपस में रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ये उन्होंने जो कहा को आपसी समन्वय बनाने के लिए कहा है, और जो त्योहार आगामी है उनको बेहतर तरीके से मिलजुल कर मनाया जा रहा है, इसको इन निर्देशों का जो भी पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मन में कृतज्ञता का भाव तो होना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती आप ये कृतज्ञता का भाव जो है वो लोगों के मन में डाल नहीं सकते हैं। महापुरुष हैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन जबरन किसी के मन में इस तरह के भाव नहीं हैं। ये बात निर्देश उन्होंने दिया है, ये उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था रहे, सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी महापुरुषों का सम्मान हो, और जो सभी धर्मों के त्योहार हैं, जो रीति है, जो साधु संत उनकी आयतनाथ ने इस बैठक में कही है, वाकई ये बड़ा बयान है और न्याय बयान है। और स्कॉलर बात कर रहे थे।